नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पे, जहां पे महागठबंधन के तमाम नेता और कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरकर ह्यूमन चेन बना करके खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहां लोग कतार में खड़े हैं और किसानों का समर्थन कर रहे हैं तीन कृषि बिल जो है उसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो तीन कृषि कानून बनाए गए हैं उसे वापस लिया जाए। तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से पटना के डाक बंगला चौराहे पे ही नहीं, पटना के हर सड़क पे लोग जो है कतार में खड़े हो करके तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि उस तरफ भी, दूसरी ओर भी लोग जो है बिना यातायात को रोके हुए, बाधा पहुंचाए हुए वो सड़क पे जो है खड़े हैं और किसानों के समर्थन में खड़े हैं। हम आपको लेकर चलते हैं दूसरी ओर। कहां से आए सर, क्या कहना चाहते हैं? आतंकी कहना बंद करो, भारत सरकार हर मामले में आम नागरिक को, किसान, मजदूर, नौजवान को आतंकी कह रहा है, उसीलिए मैं खफा हूँ। और किसानों के काला कानून के ऊपर जो बैठाने की कोशिश मोदी कर रहे हैं, उनको धिक्कारता हूँ इस महात्मा गांधी के शहादत के मौके पर। हमें मालूम है तो इसी बिहार के अंदर से किसानों ने चुनौती दिया था अंग्रेजों को, आज मोदी को कह रहा हूँ तो ये तीन कानून जो काला कानून है उसको वापस लो और खेती और किसानी को बचाने का काम करो। ये बताएं कि जिस तरह से आप लोग महागठबंधन के लोग आज ह्यूमन चेन बना करके किसानों का समर्थन कर रहे हैं, 26 जनवरी को जो कुछ हुआ दिल्ली में और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे यही तो मैं देखिए ना रखे हुआ हूँ, यही मैं रखे हुआ हूँ सौभाग्य से। हम ये कहते हैं तो मोदी जी अपने बंदर को किस किस रूप में नचवाइएगा, बंद कीजिए ड्रामा। ये ड्रामा का नहीं है, देश की रक्षा की बात है। जब किसान अपने खेतों को बचाने के लिए कह रहा है, मजदूर अपनी रोजगार के लिए बात कर रहा है, नौजवान अपने अधिकार का बात कर रहा है, तो एक एक ड्रामा निकालते हैं। ड्रामा नहीं चलेगा और ये देश समझता है। तो मोदी जी इस मुल्क को कैप्टिस्ट लोग दौलतमंदों के गोद में दे रहे हैं। हम लोग बुड़बक हैं? नहीं बुड़बक हैं। लेकिन नीतीश जी भी तो मोदी जी को कुछ नहीं बोल रहे हैं। नीतीश जी क्या बोलेंगे, नीतीश जी तो बेचारे अपने रो रहे हैं, भाई भाई रो रहे हैं। देख रहे हैं ना मंत्रिमंडल ना विस्तार हो रहा है, बेचारे का तो क्या होगा। इनको तो और बुरी मौत से मरना है नीतीश जी को, जो जनता के साथ धोखा दिया है जनता उसको सबक सिखलाएगा। लेकिन वो तो अपनी पार्टी का विस्तार करने में लगे हैं, ओवैसी के विधायक कल ही मिले उन। बन के गिद्दड़ जाओगे किधर, जितना विस्तार करेंगे तो संख्या को बढ़ा लेंगे। चोरी को माल पर हुकूमत चलाना नीतीश जी छोड़ दीजिए, मुल्क के जनता के ऊपर विश्वास कीजिए, किसानों मजदूरों के ऊपर विश्वास कीजिए। और छोड़िए नरेंद्र मोदी को, आइए इधर, हम लोग आपको मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, कह दीजिए। ये जो है नीतीश जी के लिए ऑफर है सीपीआई की तरफ से कि मेरे तरफ आए, चोरी से सरकार कितनी दिन चलाएंगे। तो ह्यूमन चेन बना करके लोग खड़े हैं, किसानों के समर्थन में खड़े हैं। और हम आपको लिए चलते हैं यहाँ आरजेडी की महिला विंग खड़ी है, इस तरफ देखिए आप, ये आरजेडी की महिला विंग है। क्या कहेंगे आज आप लोग खड़े हैं चेन बना करके, ह्यूमन चेन बना करके, क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि ये जो भारत देश है हमारा, किसानों का देश है, मजदूरों का देश है, और हम ही किसान भाइयों पर, मजदूर भाइयों पर जिस प्रकार बिल को थोप करके तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, उसके विरोध में हम सभी मानव चेन बनाए हुए हैं और हम लोग पूरी तरह से सफलता के साथ करते हैं सारे महिला कि बिल वापस ले। और किसानों के जो शहादत हो रही है और आज गांधी जी के शहादत पर ही हम लोग ये प्रोग्राम बनी है कि कम से कम हम लोग की बात को माना जाए, किसान की बात को माना जाए और तीन बिल जो है उस पर संशोधन किया जाए और समझौता किया जाए, किसानों से बात किया जाए। एकदम अड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि मान जाइए।
आप मुखिया हैं तो इतना कड़ा मुखिया नहीं होना चाहिए, जनता की भी बात माननी चाहिए। लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी को जो कुछ हुआ दिल्ली में, अब तो वो कह रहे हैं कि किसान जो है किसान नहीं, ये एक उग्रवादी की तरह आतंकी की तरह काम कर रहे हैं। आतंकी की तरह साजिश है, ये सब साजिश है, सरकार की साजिश है कि सबको नहीं कुचलेगा तब लोग, ये लोग हटने वाला नहीं है। लेकिन किसान और हम लोग सारा जो अड़े हुए हैं कि हम अपना वापस लेकर ही छोड़ेंगे, चाहे जितनी भी जाने चली जाए, क्योंकि गांधी जी भी अपने जान देकर जो देश को आज़ाद कराए और उस चीज़ को भी नहीं मान रहे, और गांधी जी को फोटो और मूर्ति बना बना कर ही नाम कर रहे, इनको सब कोई जान रहा है। आरएसएस के लोग कभी देश को आज़ाद कराने में इन लोग का हाथ नहीं रहा है, हाथ गांधी जी का, जो गांधी जी का था, जो हम लोग वंशज हैं और हम लोग आज़ाद करवाए हैं, आज हम ही लोग को कुचला जा रहा है और गांधी जी को मूर्ति बना रहे हैं, पटेल जी को मूर्ति बना के दिखा रहे हैं लोगों को। जिस तरह से ह्यूमन चेन बना करके आप लोग सरकार पे दबाव बनाना चाहती हैं, एक समर्थन जताना चाहती हैं कि हमारे साथ देश की जनता है, क्या लगता है कि मोदी जी इसको देख करके पसीजेंगे या यूँ कहें कि आप लोग के हक में फैसला लेंगे, किसानों के हक में फैसला लेंगे? एकदम उनको मानना चाहिए, क्योंकि इतना कर दिए, इतना हर चीज़, जैसे स्टूडेंट का हुआ, वो सब किसी बिल का नहीं, लेकिन इतना बड़ा बिल है किसान बिल, इसमें सब हाथों हाथ है, किसान का ही फैमिली से सारा, मोदी जी भी हैं, ठीक है, सिर्फ दो तीन कॉरपोरेट है, वो माने दो तीन कॉरपोरेट थी जिस समय अंग्रेज थी, उससे लोग परेशान था, आज 7-8 पैदा कर दिए मोदी जी। जो एग्रीमेंट है उनको वापस लेना चाहिए, ये अडानी अंबानी से जो एग्रीमेंट थी इनको कि हमें प्रधानमंत्री बनाओ और हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, इनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि जनता का भी वोट इन्हें मिला है। उनका बात, एक आदमी का बात मानने के कारण पूरा देश तबाह हो रहा है। जिस तरह से आपके नेता, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश जी चुप्पी साधे हुए हैं, क्या कहेंगी कि नीतीश जी अगर मोदी जी को कन्विंस करते तो मामला बदल सकता था? बिल्कुल, वो गठबंधन में है, उनको बोलना चाहिए था नीतीश जी को कि बिहार बिल्कुल कृषि आधारित, और नीतीश जी जब से आया हर सारा किसान मजदूर बन गया है, क्योंकि जब जब किसान का जो पैदा नया होती है उस समय 2-4 रुपए किलो बिकता है, 2 महीने 1 महीने के बाद सब स्टोर कर लिया जाता है, और आलू 150 रुपए से 200 रुपए तक 250 रुपए हो जाती है, तो ये हमेशा सहयोग कर रहे हैं। अब इनको नहीं चाहिए था नीतीश कुमार के, माने सब कोई जान गया है कि नीतीश कुमार किस तरह के कुर्सी के लिए ये मरे फिरते हैं, इनको अब इतना दिन बैठ गए, अब क्या चीज़ का लालच है इनको, हमारे साथ चाहिए।